हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगमंच। वी आर प्रेजेंट है विद अनदर न्यू सेशन, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्पेशल सीरीज CT8 को लेकर चल रही है। उस पर आज जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। तो भाषा विकास के संबंध में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस सेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर CTET एग्जाम या UPTET एग्जाम या और जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं, तो भाषा यानी भाषा एक मीडियम है, एक माध्यम है, कह सकते हैं। इट कैन बी सेड दैट द लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन हमारे सोसाइटी, हमारे समाज या आसपास एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वही हमारी भाषा है। यानी लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का या कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है, वो भाषा है। ओके, तो भाषा का जो विकास होता है, हम भाषा विकास की बात करने वाले हैं। तो भाषा का विकास किसी भी बच्चे में यानी जन्म से ही होता है, जन्म के प्रारंभ से ही या जन्म से ही होने लग जाता है। जैसे बच्चा क्राइंग करने लगता है, वो भी भाषा का ही एक पार्ट है। बच्चा रोना स्टार्ट करता है, वो भी भाषा का एक पार्ट है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो भाषा विज्ञानी या फिर ये कहें साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने अलग अलग तरह से इसे डिस्क्राइब किया है। कुछ एक मनोवैज्ञानिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब भाषा डेवलपमेंट या भाषा विकास की बात आती है, तो उसमें से 3 से 4 चीज़ निकल के आते हैं। जब भाषा विकास है यानी भाषा का स्टार्टिंग से शुरू से लास्ट तक जो क्रम चलता है, वो 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहले लिसनिंग, यानी बच्चा पहले भाषा का जो एक्विजिशन करता है, पहले सुनता है, उसके बाद स्पीकिंग, पहले भाषा बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, एंड उसके बाद रीडिंग। फिर किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को बच्चा रीडिंग करने लगता है, एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में जो आता है बच्चा राइटिंग यानी लिखना सीखता है। तो पहले जब हम बात करते हैं यानी भाषा, पहले बच्चा सुनता है, यानी फर्स्ट जो रहेगा वो सुनता है बच्चा, यानी सुनना सीखता है, लिसनिंग। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, चाहे वो 1 सिलेबल हो, 1 वर्ड हो, या 2 वर्ड हो, या छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, इस तरह से बच्चा बोलना सीखता है। तो पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एंड उसके बाद थर्ड जो आती है वो आती है रीडिंग, यानी बच्चा पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद बच्चा लिखना सीखता है। जो लिखना सबसे डिफ़िकल्ट है, कुल मिला के लिखना बच्चे पर तभी आता है जब वो स्कूल जाता है और बाद में बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं। तो जब भी भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट चलता है, वो इस क्रम में चलता है। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, यही क्रम चलता है। इसके बाद बच्चा बिल्कुल, यदि बच्चे पर पढ़ने और लिखना आ जाए तो बच्चा भाषा में यानी भाषा के ज्ञान उसे हो चुका, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये जो क्रम है लैंग्वेज डेवलपमेंट का चलता रहता है, यानी जन्म से जीवन पर्यंत, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो भाषा विकास है वो विकास का एक पार्ट है, तो ये भी जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये जन्म से प्रारंभ हो जाता है। जन्म से प्रारंभ होने की बात करते हैं हम, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल जन्म से ही हो जाता है। स्टेजेस की बात करते हैं करेंगे हम, मतलब किन स्टेजेस में कितनी स्टेजेस हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास को निर्धारित करती हैं। किस स्टेज में कितना, कितनी भाषा का पार्ट या कितना भाषा सीख पाता है बच्चा, कितने अंतरण कर पाता है भाषा यानी एक्वायर कर पाता है। तो लैंग्वेज में एक्वायर का पार्ट है, एक्वायर करता है बच्चा भाषा। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की, और इसके बाद हम और डिस्कस करने वाले हैं। यानी प्रोफेसर यानी प्रोफेसर स्मिथ हैं एक, यदि हम प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग बात करें
तो इन्होंने जो बातें बताई हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास, बच्चे के विकास के संबंध में, जो बच्चे में भाषा विकास होता है, किसी भी व्यक्ति में भाषा विकास होता है, तो इनके अकॉर्डिंग यानी एक वर्ष में बच्चा कितने वर्ड अडॉप्ट करता है, कितने वर्ड एक्वायर करता है, कितने वर्ड सीखता है, तो इनके अकॉर्डिंग एक वर्ष में बच्चा सिर्फ 3 वर्ड, मतलब 3 वर्ड सीख पाता है। एक वर्ष में 3 वर्ष, यदि हम 2 वर्ष की बात करते हैं यानी दूसरे वर्ष में बच्चा जो सीख पाता है वो 272 वर्ड सीख पाता है। किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज का जो वर्ड सीख पाता है बच्चा 2 वर्ष में 272 यानी 272 वर्ड तक सीख लेता है। एंड ये उन्होंने उसके बाद बात की है यानी 5 ईयर यानी 5 वर्ष, 5 वर्ष में बच्चा जो सीख पाता है वो 2072 यानी 2072 वर्ड बच्चा सीख लेता है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्मिथ यानी स्मिथ, प्रोफेसर स्मिथ महोदय के अनुसार, यानी एक वर्ष में बच्चा 3 वर्ष सीख लेता है और 2 वर्ष में 272 एंड 5 वर्ष में 2072 वर्ड सीख लेता है। तो कुल मिलाकर 5 वर्ष के स्टेज में, अवस्था में कहें तो बच्चे को भाषा संबंधी बहुत सारे वर्ड, मतलब उसकी जो वोकेबलरी है उसमें आ जाते हैं और वो भाषा को अच्छी तरह से मतलब बोलने लग जाता है, क्योंकि 272 वर्ड वो सीख लेता है। तो ये रही प्रोफेसर स्मिथ महोदय के अनुसार। और यदि हम बात करें तो जब बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखता है वो सिलेबल सीखता है, यानी सिलेबल सीखता है छोटे छोटे, जैसे माँ हो गया, पा हो गया, ये चा हो गया, इस तरह से बच्चा सीखता है। लेकिन सबसे पहले जो जन्म के बाद की स्टेज होती है वो क्राइंग होती है स्टेज, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी लैंग्वेज यानी भाषा से जो संबंधित हैं 4 चीज़ और आती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी फोनीम। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछी गई है यानी फोनीम, फोनीम का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स फोनीम का जो संबंध है, फोनीम का संबंध है, फोनीम मीन्स मतलब छोटे छोटे जो सिलेबल होते हैं, जैसे सा हो गया, चा हो गया, ठीक है, इस तरह से ये फोनीम का संबंध। और जब हम फोनीम के संबंध की बात करते हैं, जो फोनीम है वो फोन से हम रिलेट कर सकते हैं, तो फोनीम का संबंध मतलब साउंड से है यानी ध्वनि से। तो बच्चा सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में छोटी छोटी ध्वनि निकालने लगता है, यानी सा चा मा पा, इस तरह से वन सिलेबल बच्चा सीखने लगता है। तो फोनीम का जो संबंध है वो मतलब ध्वनि से है, ठीक है। तो छोटी छोटी ध्वनि निकालने लगता है, जैसे पा मा सा चा, इस तरह से। तो फोनीम का संबंध जो हो गया वो साउंड से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक और टर्म आती है यानी मॉर्फीन। तो फ्रेंड्स मॉर्फीन का जो संबंध है वो मीनिंग से है, मीनिंग मतलब अर्थ से। मॉर्फीन का मतलब यानी मीनिंग से है, यानी ध्वनि की मीनिंग सीखने लगता है। तो यदि हम मॉर्फीन और फोनीम की बात करते हैं तो जो इसका संबंध है वो वर्ड से है, यानी शब्दों से है। बच्चा वर्ड सीखने लगता है, मतलब छोटे छोटे सिलेबल सीखता है, उसके बाद यहाँ पे वर्ड यानी एक वर्ड सीखने लगता है और उसकी मीनिंग सीखने लगता है। तो फोनीम का मतलब हो गया ध्वनि से एंड मॉर्फीन का मतलब हो गया मीनिंग, मतलब ध्वनि की मीनिंग से जो संबंध है। क्योंकि बच्चा जब वन वर्ड सीखने लगता है तो वो जो एक टर्मोलॉजी है या टर्म है मॉर्फीन का संबंध यानी वर्ड की मीनिंग से है, और फोमीन का मतलब यानी ध्वनि से है यानी साउंड से। तो ये रही एक बात। एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है, दो चीज़ डिस्कस की, इसके बाद तीसरी जो चीज़ है, तीसरे ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है, इस तरह से बच्चा सीखता है यानी सिंटैक्स। तो फ्रेंड सिंटैक्स का जो संबंध है, सिंटैक्स का संबंध स्ट्रक्चर से है। भाषा एक्विजिशन, बच्चा भाषा एक्वायर करता है तो वो किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर सीखता है। स्ट्रक्चर का सीधा सीधा संबंध यहाँ पे मतलब सेंटेंस से है। जब बच्चा वाक्य बनाना सीखता है छोटे छोटे या बड़े भी वाक्य बनाना सीखता है तो वो एक स्ट्रक्चर, उसके माइंड में एक स्ट्रक्चर, एक जो पैटर्न है सेंटेंस का वो पहले से होता है, या वो स्ट्रक्चर को
अच्छी तरह से भली भांति मतलब जान पहचान लेता है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास में उसे उसका निर्धारण करते हैं कि वो किस तरह से भाषा सीख पाता है। और इसके बाद सिंटैक्स के बाद हो गया, यानी सीमेंटिक्स, यानी सीमेंटिक्स का भी संबंध भाषा से है। तो सीमेंटिक्स का संबंध हो गया मीनिंग से, जिस तरह से फोमिन एंड मॉर्फिन हो गया, इस तरह से सिंटैक्स का किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर से संबंधित है, एंड सीमेंटिक्स का संबंध उसकी मीनिंग से है, सेंटेंस की मीनिंग। तो इस तरह से बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो निर्धारित होता है, इसी क्रम में चलता है। तो हमने जो बात की यानी फोमिन, ये यानी इंग्लिश पेडागोजी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम CDP की बात करें, यानी CDP पेडागोजी, या फिर इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, यानी फोमिन, मॉर्फिन, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो बात की यानी सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर से, और सीमेंटिक्स का मतलब सेंटेंस के मीनिंग से है। तो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स मतलब सेंटेंस से संबंधित हैं, और फोमिन एंड मॉर्फिन यानी एक वर्ड से संबंधित, क्योंकि बच्चा जो सबसे पहले सीखता है वो सिलेबल सीखता है, सबसे पहले जो बच्चा सीखता है मतलब सिलेबल सीखता है, छोटे छोटे सिलेबल सीखता है, ओके। उसके बाद वो वर्ड सीखता है, ठीक है, वर्ड के बाद वो टू वर्ड, ये मतलब वन वर्ड होगा, टू वर्ड, फिर वर्ड को जोड़ने लगता है, मतलब जोड़ना सीख जाता है, एक से दो वर्ड जोड़ना प्रारंभ कर देता है, एंड देन वो छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखता है, मतलब छोटे छोटे वाक्य, बहुत छोटे छोटे वाक्य। उसके बाद वो यानी अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड में आते आते वो सारे भाषा सीख लेता है, मतलब पूरे सेंटेंसेस सीखने लगता है। तो ये रही एक बात जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास की किन किन अवस्थाओं से बच्चा गुजरता है, और किस अवस्था में बच्चा कितनी भाषा सीख पाता है या सीखता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट किस अवस्था में कितना विकास होता है भाषा का। तो फ्रेंड्स, यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लास्ट तक ज़रूर से देखें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में हमारा जो प्रयास है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने का है। और कुछ क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है CDP की, उसको भी आप ज़रूर से देखें, जो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे थे यानी स्टेजेस की बात कर रहे थे, किन किन स्टेजेस में कितना विकास होता है, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस की जब भी हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स जैसा कि पहले बताया, यानी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो जन्म से प्रारंभ हो जाता है। तो स्टेजेस की बात करते हैं, यानी दो स्टेजेस की हम इस तरह से बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में किस तरह से ये वर्गीकरण खुद हाँ। तो बच्चे जैसे बच्चे का जन्म होता है यानी बर्थ, तो जन्म के समय बच्चा कितने सीखता है, तो जन्म के समय से बच्चा सीखने लगता है। जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का संबंध है, बिल्कुल जन्म से है, बच्चे का जन्म होता है, यानी जन्म पूर्व की अवस्था में जो डेवलपमेंट है वो होता तो है, लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास का संबंध गर्भपूर्व अवस्था से नहीं है, क्योंकि जन्म पूर्व अवस्था में जो सोसाइटी या समाज के इंट्रैक्शन में बच्चा नहीं आता, इसलिए लैंग्वेज का हाँ एक और चीज़ हम लैंग्वेज का जो संबंध है वो उसके कॉग्निशन से है, मतलब संज्ञान से है। और प्याजे महोदय ने भी कहा है कि कॉग्निशन मतलब जब तक बच्चा सोसाइटी के संपर्क में नहीं आएगा, मतलब बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो तब तक नहीं सीख पाएगा। तो कुल मिला के जन्म से ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रारंभ होने लग जाता है। तो जन्म के समय बच्चा क्राइंग मतलब रोना प्रारंभ करता है, तो ये भी लैंग्वेज का एक पार्ट है। जन्म के समय बच्चा क्राइंग करता है। एंड बात करें हम यानी 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह में जो बच्चा होता है वो कुकिंग करने लगता है। कुकिंग का मतलब रोने से अलग आवाज़ निकालने लगता है, मतलब कू का के इस तरह से, या
थोड़ी थोड़ी लाफिंग इस तरह से करता है तो बच्चा कूकने लगता है, जैसे कूकिंग मतलब कूकना कूकना प्रारंभ कर देता है, जैसे उसे कोई आवाज़ दे उसके नाम से, या फिर अलग तरीके से ही किसी आवाज़ को सुनकर वो कूकने लगता है। तो बात की हमने जन्म जन्म के समय जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है वो क्राइंग, बच्चा रोता है। एंड 6 वीक्स यदि 6 सप्ताह की बात करें तो हम बच्चा कोकिंग करता है। एंड हम बात करते हैं यानी 6 महीने 6 मंथ की बात करें, यदि हम 6 महीने की बात करें तो बच्चा बेबलिंग करने लग जाता है। बेबलिंग मतलब बलबलाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। 6 महीने का बच्चा वो बेबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। पहले हमने बात की यानी क्राइंग, उसके बाद कुकिंग, बच्चा कुकने लग जाता है। बेबलिंग यानी बलबलाने लग जाता है 6 महीना की बात की हमने। इसके बाद जैसे बेबलिंग में हो गया, जैसे सिंगल सिलेबल की बात, तो सिंगल सिलेबल आ जाते हैं, वो सिंगल सिलेबल सीख जाता है, जैसे माँ चा पा, ठीक है। इस तरह से बच्चा सिंगल सिलेबल सीखने लग जाता है, मतलब बोलने लग जाता है। ये बात हुई 6 महीने की, तो 6 महीने में सिंगल सिलेबल यानी बेबलिंग प्रारंभ कर देता है। और यदि हम बात करते हैं यानी 12 मंथ, 12 to 18 मंथ यानी 12 से 18 महीने की यदि हम बात करते हैं, ये हम जो बात कर रहे हैं महीनों में कर रहे हैं, 12 से 18 महीने में बच्चा यानी वन वर्ड एक वर्ड सीखने लग जाता है। 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल, 1 से 1.5 साल में बच्चा वन वर्ड एक वर्ड सीखने लग जाता है, एक वर्ड बोलना प्रारंभ कर देता है वो। यानी इस स्टेज में बच्चे को एक वर्ड, यहाँ पर सिंगल सिलेबल, फिर वो वर्ड में बोलना प्रारंभ कर देता है, वो सीख जाता है। जैसे बात करी हमने पापा मामा, ओके चाचा, 1 से 1.5 साल में बच्चा 12 to 18 मंथ इस तरह से वन वर्ड सीखने लग जाता है। तो 6 महीने की जो बात की बेबलिंग करना, यानी माँ चा पा, इस तरह से सिंगल सिलेबल की बात करता है बच्चा, सिंगल सिलेबल बोल पाता है। इसके बाद वन वर्ड यानी 12 to 18 यानी 1 से 1.5 साल में बच्चा वन वर्ड एक एक वर्ड सीखने लग जाता है। और हम बात करें यदि नेक्स्ट 24 मंथ यानी 24 महीने की बात करें, या 2 साल 24 महीने मतलब 2 साल की यदि हम बात करें, तो 2 साल में बच्चा 2 वर्ड सीखने लग जाता है, मतलब 2 वर्ड को एक साथ बोलने लग जाता है। यहाँ पे 2 वर्ड्स की बात करता है बच्चा, 2 वर्ड को एक साथ बोलने लग जाता है। जैसे 1 से 1.5 वर्ष में बच्चा सिर्फ पापा मामा एक एक वर्ड बोलता है, फिर दो दो वर्ड को कंबाइंड करके मतलब ज्वाइन करके जोड़ कर बोलना प्रारंभ कर देता है, जैसे मामा चाचा पापा इस तरह से, ठीक है। ये तो ये रही बात 2 साल की, 2 साल में बच्चा इतना सीख पाता है। और हम बात करते हैं यानी ये हमारी फर्स्ट स्टेज की बात की, और दूसरी स्टेज तो इस तरह से 2 वर्ड तक बच्चा सीख गया जो एक साथ कंबाइन करके बोल पाता है। एंड हम जब भी हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट आती है यानी 2 साल तक, यानी 2 साल के बाद अर्ली चाइल्डहुड आती है, यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 साल के बाद की अवस्था, ये बात करें 2 से 6 वर्ष, यानी 2 से 6 वर्ष जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के एकदम चरम सीमा है, इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा विकास होता है बच्चे का। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है यानी 2 से 6, 2 से 7, 2 से 5 इस तरह से, या 3 से 7, ये कई कई मतलब 1-2 साल इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 2 से 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास होता है। इस स्टेज में बच्चे का सबसे ज़्यादा भाषा विकास होता है और भाषा को अच्छी तरह से भली भांति बच्चा सीख पाता है। क्योंकि यहाँ जो बात हो रही थी पीछे, 2 साल में बच्चा 2 वर्ड को एक साथ जोड़कर सीखने लग जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसे जो हम कहते हैं यानी प्री स्कूल एज, यानी स्कूल से पहले की अवस्था, जस्ट पहले की अवस्था, क्योंकि 2 से 5 वर्ष तक बच्चा स्कूल पर जाना प्रारंभ नहीं करता, क्योंकि 5 से 6 वर्ष में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। लेकिन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इस अवस्था में, मतलब उसकी फैमिली फैमिली मेम्बर या नेबरहुड पड़ोस से वो उसके भाषा विकास होने लगता है। तो उससे पहले हमने जो बात की 2 वर्ड को एक साथ बोलने लगता है, अब यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझने और बोलने लगता है, छोटे छोटे के साथ वो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बोलने लगता है, उसकी पकड़ हो जाती है। जो पैटर्न था हमने सिंटैक्स में बताया, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को बच्चा अच्छी तरह से समझने लगता है और वो बोल पाता है। तो हम जो बात करें एक्चुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड मतलब
प्री स्कूल एज, इस अवस्था में बच्चे का भाषा विकास होने लग जाता है, यानी बहुत सारा होता है। वो सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानता है, मतलब उसे ध्वनि का ज्ञान हो जाता है और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो ये रही एक बात, यानी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री स्कूल एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है कि भाषा विकास का संबंध, या ये कहें कि भाषा विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है, तो प्री स्कूल एज या स्कूल जाने से पहले की जो अवस्था है उसमें ही बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया होता है, वो भाषा को अच्छी तरह से बोल पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने लिखने आदि की बात नहीं हो रही, बच्चा सुन पाता, सुनना तो वो सीख गया, उसके बाद वो बोल पाता है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहचानने लगता है और बड़े बड़े सेंटेंसेस एक साथ बोलने लगता है। क्योंकि स्कूल में उसका एडमिशन तभी होता है, इस विद्यालय में प्रवेश करता है, क्योंकि उसको भाषा आ जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने तब सीख पाएगा, पढ़ने और लिखने स्कूल जाने के बाद बच्चे को पढ़ने और लिखनी पढ़ती है कोई भी चीज़ें, क्योंकि तभी वो समझ पाता है उसके जो और ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात जो करते हैं, क्योंकि स्कूल में सभी विकास की बात कर होगी। तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड यानी प्री स्कूल एज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया होता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 से 6 या 2 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे का ऑल जो और सारे विकास हैं उसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो अर्ली चाइल्डहुड तक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया होता, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर वो, ठीक है, पढ़ना लिखना और सभी चीज़ सीख जाता है, उस स्कूल में ला के वो फिर लिटरेचर आदि सभी को पढ़ता है और उसमें भाषा का विकास होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अब जो हम बात करने वाले हैं, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं या भाषा विद्वानी हैं, उन्होंने जो बात कही है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, क्योंकि उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट से एक दो क्वेश्चन बनता है। लेकिन भाषा विकास के संबंध में किसने कौन सी बात कही है या किसको जिम्मेदार ठहराया है, उनके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज की बात आती है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है यानी नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का नाम सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास के संबंध में इन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारी चीज़ें निकाल के बताएं। कुल मिला के इन्होंने भाषा के विकास में कई सारी चीज़ें बताई। तो नोम चॉम्स्की जो कहते हैं, यानी लैंग्वेज की इन्होंने बात की है, भाषा विकास की इन्होंने जो बात की है, इनका संबंध लैंग्वेज से है। ये लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, मतलब भाषा के बारे में बात करते हैं, तो भाषा के बारे में इन्होंने जो बताया उसके बारे में हम बात करने हैं। ये ऐसा मानते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक्विजिशन, बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो एक्वायर करता है। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है, यानी भाषा अंतरण की बात की है, भाषा अंतरण करता है बच्चा। जो बच्चे में एक गुण है वो जन्म से ही होता है, मतलब जन्मजात इन्होंने जो बात की है, यानी जेनेटिक जेनेटिक गुण होता है, जेनेटिक विशेषता है, बच्चा भाषा को एक्वायर करता है। ऐसा नहीं कि वो परिवेश में आने के बाद भाषा सीखता, क्योंकि उसका जन्मजात एक गुण है, क्योंकि वो भाषा के स्ट्रक्चर, भाषा को अच्छी तरह से पहचान पाता, भाषा पैटर्न को, इसलिए भाषा सीखता है। तो नाम चॉम्स की ऐसा कहते हैं, यानी इन्होंने जो बात की है भाषा एक्विजिशन की बात की, एक जो इन्होंने बात की है यानी इमिट एबिलिटी, तो फ्रेंड्स नोम चॉम्स्की ने जो बात की है यानी इमिट एबिलिटी, बच्चे के अंदर एक जन्मजात विशेषता या जन्मजात गुण होता है जो भाषा डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करता है, बच्चा भाषा को सीखता है, एक्वायर करता है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चे जन्म से लेकर पैदा होता है, ये नोम चॉम्स्की है, मतलब चॉम्स्की ऐसा मानते हैं जो बच्चा है भाषा सीखने की क्षमता जन्म से लेकर पैदा होता है। इन्होंने जो बात की है, इन्होंने एक चीज़ की बात की है, इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक बात की है यानी LAD, लैड की एक बात की है। लैड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैड की फुल फॉर्म क्या है या लैड के लैड का संबंध किससे है, तो लैड का संबंध, मतलब लैड एल से मतलब लैंग्वेज, ए मतलब एक्विजिशन, डी मतलब डिवाइस। तो इन्होंने जो बात की है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। लैड मतलब भाषा,
अंतरण यंत्र। तो चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि बच्चे के अंदर LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक भाषा अंतरण तंत्र होता है जिसकी वजह से बच्चा भाषा विकास कर पाता है, या वो जन्मजात जेनेटिक गुण होता है जिसकी वजह से बच्चा भाषा को अच्छी तरह से सीख पाता है। तो इन्होंने एक बात की, और इन्होंने जो एक और बात की है यानी यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं ये। यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर मतलब या जेनेटिक ग्रामर, यानी जन्मजात सीखने की जो क्षमता होती है बच्चे में, जन्मजात सीखने की क्षमता यानी सार्वभौमिक व्याकरण की इन्होंने बात की है। जन्मजात क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है जो भाषा को सीख पाता है। तो कुल मिला के इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स मतलब बच्चे में जो जन्मजात क्षमता होती है वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर, लैंग्वेज की स्ट्रक्चर, पैटर्न आदि सब यानी ध्वनि संबंधी जो नॉलेज होती है बच्चे में, जन्मजात गुण होती है मतलब LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है उसके मस्तिष्क, उसके माइंड में, क्योंकि उसके कॉग्निशन में एक डिवाइस होती है, वो इसलिए माहौल या इन्वायरमेंट में आने के बाद लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख पाता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की मानते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की। यूनिवर्सल ग्रामर मतलब इसका दूसरा नाम मतलब जेनेटिक जेनेटिक ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर या जेनेटिक ग्रामर की बात की है। बच्चे में जन्मजात जो क्षमता होती है उसकी वजह से बच्चा सीख पाता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो नॉम चॉम्स्की का आता है। तो नॉम चॉम्स्की का जो संबंध, इन्होंने जो लैंग्वेज की बात की है, इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्वायर की जाती है। बच्चा कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब भी भाषा सीखता है तो वो एक्वायर करता है, बिकॉज उसके जो मस्तिष्क, उसके जो माइंड, उसके जो कॉग्निशन, संज्ञान में जो एक डिवाइस होती है यानी LAD लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मतलब भाषा अंतरण एक यंत्र होता है जिसकी वजह से वो भाषा को बहुत अच्छी भली भांति भली प्रकार से सीख पाता है। मतलब इमिट एबिलिटी एक जन्मजात क्षमता होती है, मतलब जेनेटिक एबिलिटी होती है, इसलिए बच्चा भाषा को सीख पाता है। यूनिवर्सल ग्रामर की इन्होंने बात की है कि जन्मजात क्षमता होती है बच्चा सीख पाता है। तो ये रही नॉम चॉम्स्की से संबंधित बात है। एंड फ्रेंड्स, दूसरा जो नाम आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, जो दूसरा नाम आता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये थे नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की ने जो बात की है LAD की बात की है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड यूनिवर्सल ग्रामर। तो नॉम चॉम्स्की से जरूर CTET हो, UPTET हो, KVS, NVS आदि सभी में नॉम चॉम्स्की से यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन जरूर से बनता ही बनता है। ये तो CTET का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, मतलब चॉम्स्की के बाद आते हैं यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट वाले हमारे प्याज हैं, जिन्होंने 4 स्टेज मतलब डेवलपमेंट के 4 स्टेज बताए हैं। तो प्याजे जो मानते हैं, प्याजे लैंग्वेज का संबंध मतलब जो बताते हैं प्याजे मानते हैं मतलब थॉट पहले आता है बच्चे के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, बच्चे के माइंड के अंदर सबसे पहले थॉट यानी विचार आता है, उसके बाद भाषा यानी लैंग्वेज आती है। प्याजे कहते हैं कि यानी थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, सबसे पहले थॉट आता है उसके बाद लैंग्वेज यानी भाषा आती है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग यानी विचार और भाषा का सीधा सीधा संबंध है, पहले विचार आता है उसके कॉग्निशन में और उसके बाद लैंग्वेज यानी भाषा आती है। ठीक है, इन्होंने जो बात की है यानी इकोसेंट्रिक इकोसेंट्रिक स्पीच की बात की है यानी अहम केंद्रित वाक्य की बात की है इन्होंने। तो प्याजे ईगोसेंट्रिक स्पीच में ऐसा मानते हैं कि बच्चा ये लगभग 3 वर्ष की अवस्था में ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। ईगोसेंट्रिक का मतलब ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा जो खुद से बात करता है, खुद में खुद से ही बात करने लगता है। जैसे बच्चा कोई भी अपनी पहले सुलझा रहा है या कोई खिलौना उसके पास है, ये डाइस नहीं आते उसमें एक कलर सेम साइड करने होते हैं, तो यानी उसके सारे के सारे फलक जो सारे सरफेसेस हैं एक कलर के करने होते हैं, तो उसको यदि बच्चा सुलझा रहा है तो बच्चा खुद से ही बात करने लगता है कि ये खिलौना मुझे मतलब ये वाला पार्ट इस तरह से जोड़ना है, ये वाला पार्ट इस तरह से जोड़ना है। तो इकोसेंट्रिक स्पीच की बात कहते हुए प्याजे कहते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, मतलब कोई भी काम की नहीं है ये, इस तरह की स्पीच कोई काम की नहीं है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में ज़्यादा भूमिका अदा नहीं करती।
इस तरह के वाक का भाषा विकास में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो बात की ईगोसेंट्रिक डेवलपमेंट, और ये मानते हैं कि थॉट यानी विचार और भाषा का संबंध है, सबसे पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है, तो भाषा बच्चा सीखता है। और भाषा का जो संबंध है मतलब उसके संज्ञान कॉग्निशन से है, प्याजे महोदय ऐसा मानते हैं। तो लैंग्वेज में ये इतना ही मानते हैं, क्योंकि इस इन्होंने जो कॉग्निशन यानी डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन्होंने सिर्फ इतनी ही बात की है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है, नेक्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो नाम आता है वो वाइगोत्स्की का आता है। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर जो थ्योरी है वही, यानी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी वाले वाइगोत्स्की, ZPD वाले, इन्होंने जो बात की है, इन्होंने लैंग्वेज को, इन्होंने दो चीज़ों की बात की है, यानी थॉट की बात इन्होंने भी की है, प्याजे के तरह थॉट एंड लैंग्वेज। ये चीज़ हम पहले भी मतलब सोशियो कल्चर जो थ्योरी है इनकी, इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। मतलब थॉट और जो लैंग्वेज हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आगे चलकर वो एक दूसरे में मतलब मर्ज हो जाते हैं। लैंग्वेज थॉट एंड लैंग्वेज है, लेकिन प्याजे महोदय ऐसा मानते हैं कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में। ठीक है, तो भाषा का विकास थॉट से होता है, लेकिन ये मानते हैं थॉट यानी विचार और भाषा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बाद में चलकर वो मर्ज हो जाते हैं, और इस तरह से भाषा का डेवलपमेंट बच्चे में होता है, इस तरह से बच्चा भाषा सीख जाता है, यानी भाषा का विकास बच्चे में होता है, तो ये ऐसा मानते हैं। इसके बाद हम इन्होंने और जो बात की है, यानी थॉट और लैंग्वेज के बाद इन्होंने जो बात की है, यानी तीन तरह की स्पीचेस की बात की है इन्होंने। ये स्पीच इन्होंने तीन तरह की दी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। यानी स्पीच, तीन तरह की स्पीच की बात की है इन्होंने। प्याजे महोदय ने इकोसेंट्रिक स्पीच की बात की है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसकी ज़्यादा भूमिका नहीं मानते, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन बायगोस की जो बात करते हैं, मान यानी तीन स्पीचेस की बात की है। एक हो गया सोशल स्पीच, सोशल स्पीच जो लगभग 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है, या दूसरी होती है प्राइवेट स्पीच। जो बच्चे में 3 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं, एंड थर्ड वन मतलब लास्ट, ये तीन जो स्पीच की बात की है इन्होंने, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच मतलब 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे में आती है। तो फ्रेंड, सोशल स्पीच मतलब 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जब फैमिली से निकलकर अपने नेबरहुड, अपने समाज, सोसाइटी में जो आता है, मतलब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो समाज के साथ बोलना सीखता है, मतलब समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, वो लैंग्वेज का एक पार्ट है। तो इस तरह से बच्चे का भाषा विकास निर्धारित होता है, बच्चे में भाषा विकास होता है। और प्राइवेट स्पीच की जो बात करें, तो प्राइवेट स्पीच मतलब 3 वर्ष की अवस्था में आती है, बच्चा खुद से जो बातें कर रहा होता है, जैसे अभी हमने बात की प्याजे की बात करते हुए, तो प्राइवेट स्पीच मतलब बच्चा कोई भी पहेली सुलझा रहा होता है, जैसे उसका कोई खिलौना टूट गया है, उसको वो जोड़ रहा होता है, ये पार्ट यहाँ जुड़ेगा, ये पार्ट यहाँ जुड़ेगा, खुद से जो बात कर रहा होता है वो 3 वर्ष की अवस्था में आते हैं, मतलब खुद से जो बात करना, बच्चे का बड़बड़ाना जिसे कहें, लेकिन बोल बोल कर कहना। इसके बाद लास्ट जो आती है साइलेंट इनर स्पीच, मतलब खुद से ही बात करना, खुद अपने अंदर ही बात करना, मतलब कहते हैं ना मन में बात करना या किसी के भड़ास निकालना, इस तरह से। तो ये 7 वर्ष की अवस्था में आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्होंने माना है, यानी प्राइवेट स्पीच को माना, जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास में सबसे ज़्यादा रोल निभाती है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है इसी का है, यानी इम्पोर्टेंट रोल प्राइवेट स्पीच का है, ऐसा बायगोट्स की मानते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट यानी अगेंस्ट प्याजे ऐसा कहते हैं, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच इन्होंने, प्राइवेट स्पीच को इन्होंने ईगो सेंट्रिक कहा है, बच्चा इसमें घमंडी हो जाता है, ऐसा प्याजे मानते हैं कि बच्चा घमंडी हो जाता है, और जो उसके ईगो सेंट्रिक स्पीच है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में किसी भी काम के नहीं है, इस तरह से बच्चे का भाषा विकास में कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं बायगोस की, तो बायगोस की प्राइवेट स्पीच को कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बच्चे के प्राइवेट स्पीच का ही होता है। प्राइवेट स्पीच जो आगे के लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो भाषा विकास में प्राइवेट स्पीच का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ऐसा बायगोस्की मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट तीन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने जो बात की है लैंग्वेज यानी भाषा डेवलपमेंट से संबंधित। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो चॉम्स्की, मतलब चॉम्स्की से पूछे जाते हैं। जो भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आए या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात आए यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात आती है, तो चॉम्स्की का सीधा सीधा संबंध है लैंग्वेज डेवलपमेंट का संबंध, क्योंकि ये और यूनिवर्सल ग्रामर की जो हमने बात की, यूनिवर्सल ग्रामर तो नोम चॉम्स्की का नाम आता है, इन्होंने चीज़ की बात की यानी LAD या जेनेटिक ग्रामर या फिर यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की का इतना रोल है, ये भाषा विकास को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं। भाषा विकास बच्चे के अंतर जो होता है यानी एक इमेट एबिलिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा मतलब उसके एक आंतरिक क्षमता होती है या जेनेटिक एबिलिटी होती है, बच्चा भली भांति भाषा विकास कर पाता है, भाषा को सीख पाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेशन। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू, एंड यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, यदि किसी भी तरह से हमारा सेशन आपको हेल्प करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट वाज SP सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।